अनअकैडमी के ऑफलाइन सेटअप में देखें तो एक तो बहुत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे। टीचर्स सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, सब देखे तो 18 20 साल 22 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इंदौर पल्स बाय अनअकैडमी। अनअकैडमी इंदौर में ऑफलाइन आ चुका है बच्चों, और हम आपके सामने लेके आ रहे सारे वो सुपर हीरोज को, आपके सामने लेके आ रहे सारे वो बेस्ट टीचर्स को, बेस्ट मेंटर्स को, जो आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाएंगे और आपके भविष्य के लिए, आपके ड्रीम कॉलेज के लिए करेंगे आपके साथ एक्सट्रीम मेहनत। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है, आज हमारे साथ है देवेंद्र बेलानी सर। सर स्वागत है आपका इंदौर पल्स पे। थैंक यू वेरी मच सर। सर के बारे में मैं आपको बहुत सारी स्पेशल बातें बताऊंगा। सर ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते, सर बेस्ट बैट्समैन है। कभी भी हम टीचर्स का मैच होता है ना, अभी आपने देखा होगा अनअकैडमी की एडमिनिस्ट्रेशन टीम और अनअकैडमी के टीचर्स का एक क्रिकेट मैच हुआ था और सर उस मैच के थे मैन ऑफ द मैच। तो सर कैसे इतना अच्छा क्रिकेट और इतना अच्छा मैच टीचिंग, कैसे, कहाँ क्रिकेट सीखा आपने? क्रिकेट तो कहीं सीखने तो नहीं गए, लेकिन बचपन से ही खेलते थे क्रिकेट। और क्रिकेट मतलब कॉलोनी में सारे फ्रेंड्स आपस में खेलते थे, मेरे कजिन वगैरह साथ में खेला करता था, तो खेलते खेलते ही बस इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मतलब बेसिकली नेचुरल टैलेंट है आपका। और सर इंदौर की धरती में पिछले 21 सालों से बच्चों के लिए लगे हुए हैं, बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं, और थाउजेंड्स में इन्होंने IITians प्रोड्यूस किए हैं, टॉप रैंक्स प्रोड्यूस की है, इतना एक्सपीरियंस है बच्चों को। सर कुछ बताइए, मैथ्स को कैसे अच्छा करना है, मैथ्स के लिए क्या टिप्स है बच्चों के लिए टॉप रैंक हासिल करने के लिए? मैथ्स में अगर कई बच्चों को मैंने देखा कि मैथ्स फोबिया होता है, हाँ। तो अगर मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उतना ही आपको मैथ्स इजी लगने लगेगा। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मतलब मैथ्स के स्किल्स जो हैं, जैसे मैंने देखा कि गर्ल्स जनरली ज़्यादा डरती हैं मैथ्स से, तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और टीचर से कॉन्टैक्ट में रहेंगे कि टीचर से अगर कुछ भी अगर डाउट है तो बिल्कुल फ्रेंकली पूछना चाहिए टीचर से कि क्या, अगर हम ये कहीं गलतियाँ कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, तो टीचर डेफिनेटली रिजॉल्व करते हैं उनको। एंड मैंने तो हमेशा बच्चों को यही बोला है कि कुछ भी अगर आपको एक एक स्टेप में अगर प्रॉब्लम लग रही तो आप आके पूछिए। तो इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। करेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कंफर्टेबल फील करेंगे। करेक्ट। और सर प्रैक्टिस होगी, डाउट्स जरूर आएंगे, और आपके जैसे टीचर हो जो बच्चों को डाउट्स पूछने पे एनकरेज करते तो डेफिनेटली बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। सर एक आपसे थोड़ा सा आपके स्टूडेंट लाइफ की बात पूछते, आप अपने स्टूडेंट ईयर में कैसे रहे? मैं जैसे स्कूल में अगर बात करें तो मैं 8th क्लास तक एक एवरेज स्टूडेंट ही था। देन मैं शाय नेचर भी था, देन इंट्रोवर्ट भी था। देन 9th और 10th क्लास में मेरे परफॉर्मेंस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया, मैथ्स की तरफ मेरा इंक्लिनेशन हुआ, और हम 4-5 स्टूडेंट फ्रेंड्स थे जिनमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हुआ करती थी कि अच्छा तूने इतना कर लिया तो मैं देखते से ज़्यादा करके बताता हूँ, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहती है, तो उसमें ग्रूमिंग ज़्यादा अच्छे से होती है। और फिर मेरा 9th और 10th क्लास में मैथ्स में इंप्रूवमेंट आया, 10th क्लास में मुझे 75% मार्क्स आए। देन उस समय हमारे टाइम में 70-80% मार्क्स अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन अब आजकल देखो तो 90% भी अभी कंपटीशन है, अभी देखो इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि बोल नहीं सकते। करेक्ट। देन आई टुक मैथमेटिक्स PCM एज माय सब्जेक्ट एंड डिड इंजीनियरिंग। नाइस, ग्रेट सर, ग्रेट सर। आपने टीचिंग करियर को, टीचिंग को कैसे चूज किया, बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे आपके अंदर मोटिवेशन है? मैंने इंजीनियरिंग के बाद ग्रासिम इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लिया था नागपुर के, आई वर्क देयर फॉर 3 इयर्स, लेकिन मुझे वहाँ पे ग्रोथ सफिशिएंट नहीं मिल रही थी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, जॉब भी मेरा मोनोटोनस था। देन मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि वाई डोंट वी शिफ्ट टू इंदौर एंड वर्क इन एजुकेशन इंडस्ट्री, क्योंकि मेरी वाइफ भी पहले एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर चुकी थी, तो मुझे सजेशन अच्छा लगा। देन वी क्विट फ्रॉम ग्रासिम, इंदौर आके मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी। अच्छा। देन फिर लेटर ऑन आई जॉइन सजदावन UPT कॉलेज, देन रैंकस पॉइंट, देन अलंकरी इंस्टीट्यूट एंड नाउ इन अनअकैडमी। एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू माई वाइफ कि उसके कारण मैं एजुकेशन फील्ड में आया हूँ, और मुझे रियली पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। मतलब मुझे मेरा मन का काम मिल गया है, और मुझे एक जो मतलब पढ़ाने का पैशन है, मतलब बहुत अच्छा लगता है बच्चों के कॉन्टेक्ट में आके, बच्चों से के साथ में रहें, उनको छोटी छोटी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा मैथ्स का फोबिया रहता है, तो एक मैथ्स सब्जेक्ट जो ऐसा है जिनको एक इजी वे में अगर हम पढ़ा सकते हैं तो वो एक मेरे लिए बहुत
गजब सर, गजब सर, थैंक्स टू मैम, आप इंडस्ट्री में आए और इतने सारे बच्चों का भला किया आपने। देखो बच्चों, इतने अच्छे टीचर्स जब आपके साथ होते हैं ना, तो आपकी जो स्ट्रगल होती है वो काफी आसान हो जाती है। तो अनअकैडमी ऑफलाइन आ चुका है सर इंदौर में, तो क्या है खास अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर? एक तो जो मुझे सबसे पॉजिटिव दिख रहा है वो ये है कि सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, right. और सब 20-22 साल के एक्सपीरियंस हैं, और साथ में हमें ऑनलाइन का बेनिफिट भी मिलेगा। करेक्ट, ये तो सर आपने बिल्कुल सही बात की। आई डोंट थिंक कहीं पे भी सेंट्रल इंडिया में इतनी एक्सपीरियंस टीम होगी जो पढ़ा रही होगी। कई जगह ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स तो होते हैं एक्सपीरियंस, बट बाकी पूरी टीम एक्सपीरियंस नहीं होती है, तो बच्चों को कुछ टीचर्स से ही पढ़ने पे फायदा होता है, बाकी टीचर्स पे उनको वो आउटपुट नहीं मिल पाता है। लेकिन यहाँ पे तो हर टीचर अपने आप में अपनी फील्ड का महारथी है, 20-22 साल के सबके एक्सपीरियंस है, तो ये बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा सर। ये बिल्कुल सही बात है। करेक्ट सर, और आपका बच्चों को क्लास में बेस्ट आउटपुट कैसे लेते हैं आप? बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि बेस्ट आउटपुट आए, और बच्चों के साथ कैसे उनका मैथ्स का बेस्ट परफॉर्मेंस लाने की कोशिश करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर बच्चे को हमें अलग तरह से हैंडल करना पड़ता है। हर एक की ग्रास्पिंग पावर अलग है, हर एक का पोटेंशियल अलग है, हर एक की क्वालिटीज अलग है। मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। जब तक आपको ज़मीन पर दौड़ना नहीं आएगा, आप उड़ नहीं सकते। जैसे अपन देखें एरोप्लेन, एरोप्लेन भी उड़ने से पहले ज़मीन पर दौड़ता है। हर एक बच्चे के लिए हमारे लिए अलग अलग प्लान करना पड़ता है। हमें उनके स्ट्रेटेजी, उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ को देखना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा हो सकता है कि दिन में रात में लेट नाइट पढ़ रहा है, कोई हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है, तो हर एक बच्चे के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी, उनकी ग्रास्पिंग पावर अलग है, उनकी पोटेंशियल अलग है, तो हमें हर एक बच्चे के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है। उनके साथ हम बैठ के शेड्यूलिंग करते हैं, कई बार कई बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको भी टैकल करते हैं। और मैं यही बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपने हार्डवर्क किया है तो डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट। गजब सर, सर कितनी अच्छी बात बोली सर, मैं इंस्पायर हो गया इस बात से कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे से जुड़ के उसको बताना होता है, और सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, हर बच्चे के साथ इतना आप समय स्पेंड करके उसको जान के उसको सही तरीके से गाइड करते हैं, तो ये डेफिनेटली बच्चों को अपने करियर बनाने में बहुत हेल्पफुल हो। और सर लास्ट में जाते जाते से पहले बच्चों के लिए कुछ एक मैसेज। मैसेज तो सर मैं देना चाहूँगा कि जीतना एक आदत है और ये आदत डेवलप करनी पड़ती है। देखो समस्याएं तो हर जगह आएंगी, और हर एक अगर समस्या को अगर अपन देखें तो समस्या को वैक्सीन की तरह लेना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि कोविड डेवलप हो गया, कोविड हो गया तो कोविड में एंटीबॉडीज भी डेवलप होती है। तो अगर आप फेलियर को एक देखें कि अगर आपका फेलियर हुआ तो फेलियर की एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, तो फेलियर से घबराने नहीं है। अगर फेलियर होता है तो बार बार फेलियर अगर आपको हो रहा है तो उससे घबराने, उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, और जब ये फील आपको आ जाएगा तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि आपको मोटिव, हर बच्चे को मोटिव का मोटिव होना चाहिए कि जैसे किसी बच्चे का ड्रीम है कि मुझे IIT बॉय से करना है, या मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज से IIT करनी है, या किसी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, तो हर एक बच्चे का जो एक मोटिव रहता है, कोई अपने पेरेंट्स के ड्रीम के लिए पढ़ाई करता है, कोई अपने ब्रदर सिस्टर को फॉलो करने के लिए उनको फॉलो कर रहा है कि मुझे उसने IIT किया है, उसने JEE किया है तो मुझे भी करना है। वैसे ही जैसे एक मुझे याद आ रहा है, हमारे समय पे जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पहले से ही पढ़ के आते थे कि टीचर जैसे पूछेगा झट से आंसर दे देंगे, तो लड़कियां पूछती थी कि अरे यार इसको तो सब कुछ आता है, क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा? तो ये भी एक मोटिव है, ये भी एक मोटिव है। तो देखो मैं अपने आप को अच्छा, हाँ तो अपने ये भी एक मोटिव है, मतलब एक पॉजिटिव वे में अगर उसके लिए, तो हर एक को देखो सबका एम तो वही है कि पढ़ना है और एग्जाम क्लियर करना है। तो हमारे टाइम में कुछ ऐसे भी करते थे और वो भी इनका सिलेक्शन हुआ, हमारे साथ हुआ उनका सिलेक्शन। तो ये बहुत अच्छी बात कही सर ने, हर बच्चे का अपना एक मोटिव होना चाहिए। जैसे मेरे साथ भी ये बात बिल्कुल ट्रू थी, मैंने जब 10th में 11th एडमिशन लिया था, 10th से 11th में, तो यही सपना था IIT बॉम्बे जाना है, और पूरी मेहनत करी थी और वहीं जाने के लिए पूरी मेहनत करी थी और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करी थी और जा भी पाए थे। तो डेफिनेटली बच्चों आप काफी एक्साइटेड होंगे देवेंद्र बेलानी सर के साथ ऑफलाइन क्लास में पढ़ने के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप रजिस्टर कीजिए, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आइए अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पे और पढ़िए हमारे सुपर हीरो से। तो लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट।